नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय मैं दिल्ली के गौशाला रोड पर मौजूद हूँ, जो कि ये करोल बाग में पड़ता है। आपको मेरे सामने एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जहाँ पे एक टंकी रखी हुई है, लेकिन ये टंकी अभी से नहीं थी। इससे पहले यहाँ पे एक बहुत ही पुराना, जो कि 1965 का बताया जा रहा है, एक पियाऊ हुआ करता था, जिसको पिछले हफ्ते ही यानी कि आज से एक हफ्ते पहले तोड़कर गिरा दिया गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और इसके बारे में जानने की भी कोशिश करी कि आखिर ये किसके आदेशों पर टूटा गया है, लेकिन ना ही यहाँ के निगम पार्षद ने ना ही एमसीडी वालों ने कोई क्लियर जवाब दिया। तो चलिए, यहाँ पर मांग उठा रहे, इस प्याऊ को लेकर मांग उठा रहे स्थानीय लोगों से ही जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों और कैसे तोड़ा गया और ये प्याऊ कब से चल रहा था यहाँ पे। मैडम, ये 1965 के अंदर पक्की प्याऊ बनाई गई थी और यहाँ पर सभी लोग, ये जो जहाँ से जो गौशाला है वो सारी गायें इधर से निकलती हैं, तो उनके लिए इसी हिसाब से हमने पानी का व्यवस्था कर रखी थी। लोग यहाँ ठंडा पानी पीते थे, बाकायदा मीटर लगा हुआ था इसके अंदर और ये पक्की बनी थी लेंटर की। तो 21 फरवरी को JCB और MCD वगैरह सारी के सारे आगे फोर्स और JEE वगैरह थे, तो हमने पूछा भाई आप इसे क्यों तोड़ रहे हैं। आपके पास कह, हमारे पास तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हमने कहा आप ऑर्डर दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो जी, जहाँ पर सब लोग पीते हैं, ये सारी लेबर है, सारी के सारी यहीं से पानी पीती थी। पक्षी को स्थान बना हुआ था, सारे के सारे ठंडा स्थान पर बैठ कर पक्षी पानी पीते थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ऑर्डर हमारे पास नहीं है और हमारे पास तो ऊपर का दबाव है, तो हम तो तोड़ेंगे। मैं कहा भाई ये ठीक नहीं है। कह लगा भाई आप हमारे रास्ते से हट जाइए, वरना अगर सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे। इससे पहले कोई ऐसा नोटिस या कुछ नहीं? कोई ऐसा नहीं, किसी के पास नहीं आई। जो और भी ये भी देख रेख करते थे, हम भी देख रेख करते, धोआधाई भी करते थे, और भी जिनके नाम मीटर लगा उन्होंने भी कुछ पूछा, तो उन्होंने कोई नोटिस वगैरह उनको कुछ नहीं दिखाया। जब यहाँ से इतने लोग पानी पीते थे, कई पशु पक्षियों को भी पानी मिलता था, तो ऐसा हटाने का फिर अचानक से क्या कारण आया हटा दिया? भाई दरअसल क्या है कि जहाँ पे स्थानीय MLA है, इनकी इनसे सेटिंग है, ये जो बन रहा है इनके लिए काम में शायद हो सकता है कोई रुकावट हो, लेकिन मुझे तो लगता नहीं। अगर सारे पेड़ वगैरह हटते तो, अगर वो टूटता तो शायद पब्लिक ना कहती चलो भाई सारी की सारी चीज़ें हट गई हैं तो कोई बात नहीं, हटा लीजिए। हाँ जी, ऐसे तो बहुत और भी अवैध चीज़ें रहती हैं, क्या उस पर कोई कार्रवाई की जाती है? और किसी से नहीं, और कोई नहीं करी जाती सर। एक पानी के प्याऊ सर, अब इसी को टारगेट बनाया जी। ये तो ये भी हमारी समस्या बाहर है, सब लोगों की समस्या बाहर है, क्योंकि ये प्याऊ क्यों बनाया गया। आप नीचे जाइए, ये सारा का सारा नाला जा रहा बहुत चौड़ा, उसके बारे में उन्होंने कब्जा कर रखा 2 साल से, और इन MCD के दलालों को वो तो नज़र नहीं आता। MCD के दलालों को ये नज़र आया। तो आपने यहाँ के जो निगम पार्षद है या विधायक है, उनसे जानने की कोशिश करी कि ऐसे कार्रवाई क्यों करवाई गई यहाँ पे? दरअसल इसलिए नहीं कही वो करवाई गई, क्योंकि MCD उनके अंडर में, तो उनके पास जाके करेंगे कि उनकी तो मिली भगत हो सकती है, उनकी मिली भगत थी तो इसलिए टूटा। ठीक है, जिस दिन कार्रवाई क्या हुआ था, कैसे मुझे तोड़फोड़ खूब हुई थी और जो कोई बोलने वाले ही नहीं था कि भी क्यों तोड़ा जा रहा है इसको, और उन्होंने कोई ये भी नहीं बताया क्यों तोड़ रहे हैं, उनके पास ऑर्डर है या नहीं? उनके पास में उस टाइम पे कोई ऑर्डर था, है हमारे पास, बाद में दिखाएंगे, जब दिखाएंगे तो तोड़ देनी चाहिए, जब दिखाए नहीं तो तोड़ी क्यों, तोड़ दी उन्होंने। इतना ज़रूरी था ये प्याऊ यहाँ? तो इतना ज़रूरी है कि बेटा हमारी हालिया में 72-73 साल की उम्र हो गई, उससे पहले की है ये प्याऊ, बहुत स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है ये की प्याऊ है बेटे के जी। आपने देखा? नहीं, टूटते हुए देखा था। हाँ, तो जब कार्रवाई की जा रही थी तो किसी ने रोकने की कोशिश करी और उस पर? किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी, पुलिस वाले सबको भगा रहे थे, बल्कि पुलिस वाले भगा रहे थे। जवाब नहीं दिया क्यों तोड़ रहे? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो देख सकते हैं, अभी मैं आपको मौजूदा हालात दिखा दूं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर एक टंकी रखी गई है, ताकि अभी भी यहाँ के जो हज़ारों मजदूर यहाँ पर पानी पीते हैं, और एक पॉट भी आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर गाय के लिए पानी पीने की भी सुविधा की गई थी, लेकिन MCD को शायद गाय का पानी पीना या यहाँ के लोगों का पानी पीना पसंद नहीं आ रहा था। अब ये तो खैर वही बताएंगे कि ऑर्डर्स आए थे या नहीं आए थे। फिलहाल यहाँ पे एक टंकी रखी गई है ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो पानी पीने के लिए और कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर छोटा सा सिल भी रखी हुई है, जिस पर ये भी लिखा हुआ है कि ये कब बनवाया गया था। और हम आगे ये भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की निगम पार्षद और JEE से कि आखिर इसको तोड़वाने का क्या कारण था। तो आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। एक हफ्ते पहले आपके गौशाला रोड पर एक प्याऊ को गिरा दिया गया और स्थानीय लोगों का अब ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ही इसके ज़िम्मेदार है, क्योंकि MCD की तरफ से कोई उनको नोटिस नहीं दिखाया गया, उसको तोड़ने के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया, बस वो आए और तोड़ देते हैं। कितनी सच्चाई है उनकी बात में, क्या कहना चाहिए?
ये तो मैडम आपको भी मालूम है, अगर कहीं पे अनऑथराइज कब्जा होता है उसके लिए किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। फॉर्मेलिटी होती है जहाँ पे आपका मकान दुकान खरीदा हुआ होता है। और इसका जो केस है वो यूनिटी ग्रुप वाले हैं ना, उन्होंने केस डाल रखा है, 4 साल हो गई है। उसके नंबर मैं आपको दूंगा अभी। उस केस के उस दिन की तारीख थी उनकी, इन्होंने 80 फुट का रोड बनाने के लिए पहले ही MCD को दिया हुआ है, कोर्ट में केस डाला हुआ, हाई कोर्ट में। उस केस का नंबर मैं आपको दे दूंगा। और जिस दिन ये प्याऊ तोड़ी है उस दिन यहाँ पे उस तारीख थी, और वो वीडियो बना के वहाँ भेज रहे थे कि देखिए जी हमने यहाँ पे ये कर दिया है। उसके बाद में अब फिर 3 महीने बाद तारीख पड़ गई है उनकी, उस केस की। और खाली प्याऊ का मतलब नहीं है, वो कहते हैं फाटक से लेके और लाल बत्ती तक हमारे को 80 फुट का रोड तैयार करना है, जैसा कि पीछे है फाटक के बाद। और हमारा किसी प्रकार कोई नहीं, प्याऊ तो हमने बनाई है, प्याऊ का बिल जो उसमें आता था ना, हम शेयरिंग करके उसको बिल को भरते थे, हमने आदमी बैठाया था अपना। अब ये तो इल्ज़ाम लगाने के लिए तो सभी करते हैं, दूसरी पार्टी करेगी कि मैंने तोड़वा दिया, उसने तोड़वा दिया। उस प्याऊ को तोड़वाने से हमारा क्या फ़ायदा? हमने कोई गाड़ी तो खड़ी नहीं करनी, हमने कोई अपना कोई ट्रक नहीं खड़ा करना, कोई बिजनेस नहीं करना। हम तो बल्कि उस प्याऊ के साथ में बैठ के चाय पीते थे, वो भी हमारा बंद हो गया। बाकी जो कह रहे हैं BJP है, कांग्रेस है, कोई भी है, उनको कहने तो इल्ज़ाम लग रहा है, लगता ही रहता है जो आदमी सीट पर होता है। लेकिन जो इल्ज़ाम लगा है उसमें कोई दम नहीं है किसी भी प्रकार का। जब वो हमारे पास आएंगे या पूछेंगे तो हम उसको प्रूफ देंगे कि केस डाला है यूनिटी वालों ने, DCM ने, और उसका नंबर हमारे पास है, हम उसको लिखित में दे देंगे। उस केस का पता कर लेंगे कहाँ पे किसने तोड़वाया, किसके ऑर्डर थे। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हजारों लोग जो मजदूर लोग हैं पानी पीते थे, पशु पक्षियों को पानी मिलता था, तो क्या प्याऊ बंद था या चालू था? चालू था। उसमें जो ठंडा पानी होने के लिए उसमें कूलर हमने लगवाया था। अब इनको तो पता नहीं, कूलर हमने अपने पैसे से लगवाया था। वो कूलर लगवाने के बाद में हमारे को जब पता लगा, उसके बाद में प्याऊ टूटने के बाद में टंकी लगवाई है, क्योंकि पुलिस और वो अफसर आए थे MCD के, वो कह रहे भाई ऑर्डर है हमारे पास, तो ऑर्डर हैं तोड़ेंगे हम। और आप जैसे जानते हो आम आदमी पार्टी इस वक्त टारगेट पे है। अगर हमारी पार्षद या मैं उस काम को रोकने में दखल अंदाजी करते तो हमारे को सरकारी काम में बाधा डालने के केस में कुछ ना कुछ लपेटते। तो इसलिए हम तो बीच में आए नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे को कागज़ दिखा दिए थे। तो अब आप बताइए हमारी क्या गलती है। हमारे साथ करोल बाग क्षेत्र की निगम पार्षद उर्मिला गौतम जी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? लोगों का कहने की तो बात अलग है, यूनिटी वालों ने जो केस डाला हुआ वो केस नंबर आपको मिल जाएगा, हमने बताया ना अभी। और दूसरी जो इन्होंने बताया वो भी सही है, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर राजनीति खेल रहे हैं, पानी से तो किसी का नहीं है, सब पानी यूज़ करते हैं। अनऑथराइज कहीं भी कुछ कब्जा होगा, सरकारी अगर डिपार्टमेंट आता है तो हमारा हक नहीं बनता कि हम उसमें टांग अड़ाएं। अब हमारी नॉलेज में था भी नहीं है। और दूसरा, जिस टाइम ये तोड़ी गई थी मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टाफ से पूछ लो कौन कौन थे, जब सरकारी स्टाफ आ रहा है, DC के ऑर्डर हैं यहाँ से कि करवा दो उसको साफ, 80 फुट का रोड कैसे करेंगे, यहाँ अनऑथराइज है, जो जितनी मार्केट है यहाँ से एक रिक्शा भी ढंग से नहीं निकलता है, तो हमारा तो कब्जा है नहीं जो हम इसके खिलाफ जाएंगे। इस रोड पर कई अभी बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, तो उनकी कब मरम्मत? बनने के बाद में 1 साल हो गया, हमने बनवाई है, जैसे हमने निगम पार्षद बने थे उस टाइम हमने रातों रात सड़क बनवाई है। लेकिन अब क्या है कि आगे से बजट क्लियर नहीं होता, कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार का दखलअंदाजी है ही, इसमें फाइल रुक जाती हैं। फिर भी अभी फाइल लगी हुई है, इसको 99 लाख का हमारा पास हो गया, पास हो चुका है इस सड़क का, 99 लाख का पास है, मैं आपको लिखित में दूंगा। वो 99 लाख का जो पास हुआ है वो कभी भी किसी भी दिन यहाँ पर उद्घाटन हो सकता है इसका। और एक सड़क हमारी लिबर्टी सिनेमे के पास है जिसमें बहुत भारी गड्ढे हैं। हम 1 साल से जब से जीते हैं इन दोनों सड़कों के पीछे पड़े हुए थे, विधायक जी के फंड से पास हुआ है, क्योंकि MCD में तो फंड है नहीं। और उसकी मैं आपको फोटोकॉपी दूंगा, उसका भी, और जो इन्होंने केस डाला है उसका भी। आपके पास जब प्रूफ होगा तो आप सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि पब्लिक तो हमारे दोस्त भी हमारे दुश्मन भी हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं। जब आदमी सीट पर होता है तो इल्ज़ाम भी लगता है, पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने किसी प्रकार का कोई नहीं, हमें तो अगर प्याऊ और बनवानी भी पड़े तो हम अपने खर्चे से बनवा देंगे, हमारी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है किसी बेचारे आदमी से या कुछ। और आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ द फ्रीडम न्यूज़।